चंडीगढ़ में जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं से आज बैठक करेंगे। सुबह 11 बजे सीएम कैंप ऑफिस में बैठक होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा क्षेत्र के विकास कामों समेत कई मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। लोकसभा क्षेत्र के विकास कामों समेत कई मुद्दों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल बैठक करेंगे, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर अधिक जानकारी के साथ पॉलिटिकल हेड अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, तो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र में ये काफी अहम बैठक उनकी रहने वाली है, इस बैठक में क्या कुछ खास रहेगा, सबसे पहले तो ये आपसे जानना चाहेंगे। दीपशिखा, ये बैठक जो कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ होनी है, 11 बजे मुख्यमंत्री आवास पर बैठक होगी। चंडीगढ़ में बैठक होनी है, जिस बैठक में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है, विधायक है, सारे नेता मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में कहीं ना कहीं कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र को लेकर जो विकास कार्य करवाए जा रहे हैं उनको लेकर चर्चा हुई, क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। तो ऐसे में सरकार की, मुख्यमंत्री की कोशिश है कि लोकसभा चुनाव से पहले कुरुक्षेत्र में जितने भी बड़े विकास के काम है, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट है, उनको एक समय सीमा के अंदर पूरा कर दिया जाए। तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कौन सी विकास योजनाएं हैं जो कुरुक्षेत्र में आने वाले दिनों में पूरी होनी है, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। प्रदेश सरकार की तरफ से कौन कौन सी विकास योजनाएं कुरुक्षेत्र को लेकर अनाउंसमेंट की गई है, कुरुक्षेत्र के जो तमाम हल्के हैं उनको लेकर सरकार की किस तरीके की विकास की प्लानिंग है उनको लेकर चर्चा होगी। कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के जितने भी बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे, मुख्यमंत्री उन नेताओं से कहीं ना कहीं राजनीतिक चर्चा भी करेंगे, राजनीतिक माहौल कुरुक्षेत्र में किस तरीके का है, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए, विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक जो हलचले हैं कुरुक्षेत्र में किस तरीके की। तो यानी कहीं ना कहीं इस बैठक में मुख्यमंत्री चाहे विकास के काम है चाहे राजनीतिक बातें हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा करते नजर आएंगे। बिल्कुल अनिल, तो काफी खास ये बैठक रहने वाली है। और देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर इस समय बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही काफी मेहनत करते दिखाई दे रही है, चाहे बात रैलियों की हो, बैठकों की हो, पदयात्राओं की हो। और देखिए, इस बार का जो ये आम चुनाव है कितने मायनों में अलग यहाँ पर नजर आ रहा है। पिछले आम चुनाव में हमने देखा कि राज्य विधानसभाओं के जो चुनाव थे उनका कितना जोर था, लेकिन अभी जो आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव है उनका शोर गायब दिखाई दे रहा है, और आम चुनाव पर सभी पार्टियों की नजर गड़ी दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल, जो अगर बात करें मिशन 2024 है, हरियाणा के लिहाज से और ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि 2024 में हरियाणा में जहां लोकसभा चुनाव होने हैं, देश भर में ही होने हैं, वहीं विधानसभा चुनाव हरियाणा में 2024 में भी होने। तो ऐसे में कहना कि जो हरियाणा में तमाम राजनीतिक दल है जहां पर लोकसभा चुनाव की तैयारी करे उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सभी लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री चाहे सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की बात करें, हिसार, करनाल, अंबाला, इन तमाम लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ, सांसदों के साथ, विधायकों के साथ बैठक कर चुके। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री आज कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र के बीजेपी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं मिशन 2024 में लगी हुई है, जेजेपी भी मिशन 2024 में लगी हुई है, इनेलो भी लगातार अभय चौटाला पद यात्रा पूरे प्रदेश में कर रहे। तो कहना कि हरियाणा में जो तमाम राजनीतिक दल है मिशन 2024 में जुटे हुए हैं। बिल्कुल अनिल, तो कहीं ना कहीं इस समय हमने देखा देश में किस तरीके से बीजेपी लोकसभा चुनावों को लेकर सक्रिय है। बीजेपी शासित राज्यों के मुखियाओं को इसकी जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं लोकसभा चुनावों को लेकर सौंपी गई है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये लोकसभा चुनावों का शोर ऐसा कि पूरे देश में जहां विधानसभा चुनाव अभी होने हैं, कहीं ना कहीं उनका शोर भी गायब दिखाई दे रहा है। जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है उस राज्य में आप देखिए काफी ज्यादा तेजी से बैठकों की बात करें, मंथनों की बात करें, फैसलों की बात करें, ये यहाँ पर नजर आ रहा है कि आम चुनावों को लेकर जो समय है वो 8 महीने से थोड़ा ही ज्यादा बचा है।